जय हिंद बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2022 का मॉडल पेपर कौन सा चौथा, ठीक है, जिसका कोड आपके सामने है AY। अगर आपके पास इस कोड का पेपर है तो आप एक एक क्वेश्चन मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया सभी खंड कीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक जो है उसमें सारे के सारे खंड हमें करने हैं जो कि बहुविकल्पी हैं, ठीक है। तो देखिए बहुविकल्पी में भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिर आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, किसी धनात्मक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, अब कौन सा होगा, यहाँ पर केवल ये कहा गया धनात्मक पूर्णांक पी के लिए। अब ना तो सम कहा ना तो विषम कहा है, ठीक है, कहा गया धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा होगा जो विषम हो सकता है। अब आप चाहे सम मानिए या विषम मानिए, तो जैसे मान लेते हैं पी, ये पी है, ये क्या है, एक प्रकार का सम है। कैसा है, एक प्रकार का सम है जो पी है, उसमें अगर हम कोई भी इनमें से नंबर रखते हैं, जैसे ये सम है तो यहाँ पर हम रखेंगे पी तो सम हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे देखिए एक जुड़ के सम हो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे पी का मान सम है तब भी ये क्या होगा, सम होगा, लेकिन उसने कहा विषम के लिए। एक ये आपका सम आ रहा है, और यहाँ पर अगर पी का मान सम रखेंगे तो दो का गुणा होकर एक जुड़ जाएगा, वो विषम बना देगा, एक आपका ये आ रहा, यानी ये दोनों तो आपके हो ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब इनमें आप डिसाइड कीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने पी की जगह पर विषम रख दिया तो ये आपका विषम बन गया, क्या बन गया, विषम बन गया। लेकिन यहां पर आपने विषम अगर रखा, विषम संख्या कोई भी रख सकते हैं आप, 2, 3, 4, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, तो गुणा करके सम क्या बन जाएगा, सम और एक जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। और उसने क्या कहा, विषम के लिए, और यहाँ पर आपने विषम रखा तो विषम होगा, लेकिन यहाँ पर आप चाहे सम रखिए या विषम रखिए, दोनों के दोनों कंडीशन में ये विषम ही प्राप्त होगा। कैसे, आप दोबारा देखिए, जैसे पी का मान हम मान लेते हैं विषम है 3, तो यहाँ पर आप रखेंगे 2 × 3 + 1, तो 2 × 3 = 6, 1 = 7, क्या मिल गया, विषम मिल गया। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, सम है, सम में हमने क्या रखा 4, तो यहाँ पर रखिए 4, 2 × 4 + 1, यानी 4 × 2 = 8, 1 = 9, यानी ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई है। सम रखिए तो भी आपका विषम आएगा, विषम रखेंगे तो भी आपका सम आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट होगा, ठीक है। उसके बाद ख नंबर देखिए, कहा गया बिंदु ABC एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा। अब वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या विषम बाहु त्रिभुज होगा, सॉरी समबाहु त्रिभुज होगा या सम द्विबाहु त्रिभुज होगा या विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ पर जो चार नाम लिखे हैं, इन चारों नामों का मतलब आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का तब हो सकता है जब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो, यानी एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, और विषमबाहु त्रिभुज मतलब तीनों में से कोई भी भुजा मिले ही ना, उसके लिए हमें एक त्रिभुज पहले बनाना होगा, ठीक है। ये हम छोटा सा त्रिभुज आपको बना देते हैं एग्जाम्पल लेकर, जिसका हम नाम रखते हैं ABC। अब देखिए A का बिंदु है -4, 0, B का है 4, 0 और C का है 0, 3। अब कैसे पता चलेगा कि ये सम है या विषमबाहु है, तो हमें इनकी दूरियां पता होनी चाहिए। तो लिखेंगे AB की दूरी, दूरी का फार्मूला होता है √(x2 − x1)² + (y2 − y1)² ठीक है। तो यहाँ से AB निकल के आएगा √(x2), अब AB की बात हो रही है,
एक्स टू आपका 4 है, एक्स वन आपका माइनस 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, वाई टू आपका 0, वाई वन भी आपका 0 उसका होल स्क्वायर, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर यानी आ जाएगा आपका 8। ठीक है, उसके बाद हम बी सी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी की दूरी, फार्मूला आपका यही लगेगा। अब बी सी की देखिए बात हो रही है बी सी की, तो एक्स टू आपका 4 रहेगा, एक्स वन आपका 0 रहेगा उसका होल स्क्वायर, वाई टू आपका 3 रहेगा, वाई वन आपका 0 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9, तो आ जाएगा अंडर रूट 25 बराबर कितना आ जाएगा 5। अब सी ए हम निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी, तो अंडर रूट एक्स टू आपका माइनस 4 रहेगा, एक्स वन 0 का होल स्क्वायर, वाई टू आपका 0 रहेगा, वाई वन आपका माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 हो जाएगा 25, तो ये कितना निकल गया देखिए 5, यानी कि बी सी और सी ए बराबर है, बी सी बराबर सी ए, ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी, बी सी और सी ए बराबर है, इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गा नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसमें एक प्रमेय लगती है, बस उस प्रमेय को हमें रख देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रमेय क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे ग नंबर, तो देखिए ग नंबर सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, ठीक है, प्रमेय लिख देते हैं। प्रमेय क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी यहां पर होगा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर दो त्रिभुज हैं, अगर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, तो इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई हम एच वन मान लेते हैं, इसकी संगत ऊंचाई एच टू, उन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ये प्रमेय है। ठीक है, तो यहां पर देखिए त्रिभुज मान लेते हैं कि पहले का क्षेत्रफल 20 है वो दिया गया है, और दूसरे का क्षेत्रफल 45 बराबर एच वन अनुपात एच टू का होल स्क्वायर, तो 5 चौको 20, 5 9 45, तो यहाँ से एच वन अपान एच टू बराबर निकल के आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4/9, उसके ऊपर रूट लग जाएगा, जिससे एच वन अनुपाते एच टू की जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए यहाँ से 2 और 3 निकल के आएगा, तो दो अनुपाते तीन इसका अनुपात होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन आपका तीसरा ही मिल रहा है। अब यहाँ पर घन नंबर देखिए,
घन अंबर भी बेहद आसान क्वेश्चन है, इसका आप लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन के लिए हमें इन्हें मेटने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर घन नंबर है, जो घन नंबर दिया गया है वो कहा गया कि टैन थीटा बराबर, क्या लिखा है, टैन थीटा बराबर 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछा गया है। अब आपको पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो यहाँ पर थीटा हो तो लंब हो जाएगा आपका 2ab, आधार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें कर्ण ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण के लिए हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं ABC। कर्ण कितना है BC, BC का स्क्वायर आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लंब आपका है 2ab। तो ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक काम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो वैसे है नहीं, आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, हाँ देखिए इसका अगर हम सूत्र खोलना चाहें तो एक बार सूत्र खोल सकते हैं, कैसा, ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² b², ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर प्लस 2ab, ये यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है होल स्क्वायर है। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और ये बनेगा a² और b², ठीक है। तो ये हो जाएगा bc का होल स्क्वायर बराबर, ये वैसे का वैसा लिखा रहने देंगे a² + b² का होल स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा प्लस 2a² b². अब देखिए जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस बन गया, सेम टू सेम आपका ये फार्मूला बनता है, कौन सा, a² + b² का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पहले माइनस था तो माइनस वाला खुला, अब सेम टू सेम संख्या है बस प्लस है, तो ये वाला यानी यहाँ पर प्लस का निशान बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हम काट सकते हैं, ठीक है, तो bc बराबर आएगा a² + b², यानी यहाँ पर आएगा a² + b², इसने पूछा क्या था, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर यहाँ से देखिए आधार क्या मिलाएगा, आधार मिलेगा a² - b² और कर्ण हो जाएगा आपका a² + b², ये आपका आंसर होगा। कौन सा मिल रहा है आपका, मिल रहा दूसरा नंबर, दूसरा आपका राइट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का ही घन नंबर तक हमने देख लिया, अंगा नंबर और चा नंबर भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का अंगा और चा नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर आकृति के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए
क्या है, आपकी घड़ी है। अब जो मिनट की सुई है वो यहाँ पर है, वो मिनट की सुई, वो मिनट्स की सुई के बारे में बोला गया, ठीक है। और ये कितनी लंबाई है, 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब कहा गया कि जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में कितना क्षेत्रफल चलेगी। अब यहाँ पर मिनट की सुई थी, मान लेते हैं कि एक मिनट में इतनी सुई आई, और यहाँ पर ये वाला, ये जो आपका क्षेत्रफल ये घिर रहा है, ये वाला, ये क्षेत्रफल आपका कितना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर कोण पता चलना चाहिए, कितने कितने अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली, वो पूरा जब घूम जाती है 360 अंश कोण बनाती है, मतलब एक घंटे में, एक घंटे मतलब 60 मिनट में मिनट द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360 अंश, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना बनाया गया, 360 अंश। तो जीरो से जीरो कटेगा, 6 × 6 = 36, यानी एक मिनट में कितने अंश का कोण बना, 6 अंश का, और हमें एक ही मिनट का चाहिए। तो यहाँ से त्रिज्यखंड का फार्मूला लग जाता है, क्योंकि एक प्रकार क्या बना हुआ है, त्रिज्यखंड बना है। तो लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, सुई द्वारा एक मिनट में रचित क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को रख देना है। तो देखिए थीटा की वैल्यू आपका 6 अंश आया, और ये हो जाएगा 360, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, जिसमें आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, 14 × 14। तो 6 × 6 = 36, 7 × 14, ये 2 से काटेंगे 30 में कटेगा, ये 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, कितनी बार में, 15 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचता है, देखिए ये बच जाता है 11 × 14/15। तो 14 × 14 = 4 × 1 = 15 / 15। अब इसका आप भाग दे लीजिए, जब इसका आप भाग देंगे, देखिए 15 × 15 = 15, 15 × 15 इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, और जैसे ही दशमलव लगाएंगे वो 40 हो जाएगा। तो 15 × 30 कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, और 15 का हम 10 बढ़ा तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए 15 × 30 10 बढ़ा, दशमलव लगाया, वो 100 बन गया, ठीक है। तो 15 × 6 = 90, यानी आएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाता है, ठीक है। देखिए 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। अब यहाँ पर जो 4 नंबर है, ये कहा गया एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध है, मतलब हमें फार्मूला पता होना चाहिए बहुलक का, ठीक है। तो यहाँ से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा हो सकता है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आपका राइट होगा, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आपके जो भी वैकल्पिक क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का का खा और ग नंबर देखिए बच्चों, इसमें कहा गया का नंबर में कि चित्र में PS/SQ = PT/TR है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया कोण PST मतलब ये वाला कोण बराबर है PRQ मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
बाकी ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे का नंबर, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक ढंग से ही करना होगा, त्रिभुज जो भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब हमें जो भी दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। क्या दिया गया है? पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, और दिया गया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। ये हमें दिया गया है, ठीक है। लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब जो भी सिद्ध करना में वो लिखना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात हमें दे दी गई है, क्या? कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। एक बार चित्र में इसको गौर समझिए, पी एस के बटे में एस क्यू, पी एस के बटे में एस क्यू और पी टी के बटे में टी आर। ऐसा तभी संभव होता है जब हमारी थेल्स प्रमेय लगती है, और थेल्स प्रमेय कहती है कि जब एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी समांतर भुजा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो देखिए यही कहा गया कि समान अनुपात में क्या है, विभाजित है, मतलब यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा, क्योंकि हमें पहले से ही दे दिया गया है कि आपस में क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पर समानुपाती ये क्यों है? क्योंकि एस टी और क्यू आर आपस में क्या रही होंगी, समांतर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि एस टी समांतर क्यू आर। अब जब ये समांतर हो जाती हैं तो देखिए, जब ये समांतर हो जाती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे वो भी हम बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? पी एस टी कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। अब ये दोनों बराबर क्यों हो? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। इसका हम नाम देंगे समीकरण एक। उसके बाद हमें एक बात भी पहले से दे दी गई है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। ये हमें क्या है? दिया है। ये हो जाएगा समीकरण दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक बराबर है समीकरण दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण पी एस टी, कोण पी एस टी दोनों बराबर, यानी दिए दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू के, ठीक है। अब ये जैसे ही बराबर हो गए दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण आपस में क्या हो गए, दोनों बराबर। तो यहाँ पर एक प्रमेय लग जाती है कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कहने का मतलब इस वाला जो कोण है, यानी ये वाला कोण, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, यानी पी आर बराबर ये वाला कोण पी आर क्यू के सामने वाली पी क्यू, ये बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब जब ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर मिल गई, मतलब ये वाली भुजा ये भुजा, तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई तो सिद्ध हो गया कि यह त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो का नंबर है वो तो आपका पूरी तरह से साल्व हो गया। ठीक है, अब हम साल्व करेंगे ख नंबर। ख नंबर को साल्व करने के लिए हमें इसे मेटना होगा। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद इसे हम मेट देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया हो तो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो इसे हम पूरा को पूरा मेट देंगे क्योंकि हमें इस अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ख नंबर देखिए, जो ख नंबर कहा गया है उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जो भी हमें दिया गया है। तो दिया गया है 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस 10² 45° बटे sin² 30° प्लस cos² 30°। अब यहाँ पर केवल हमें करना ये है कि वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 cos 60 का मान कितना होगा? cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाएंगे प्लस 4 sec 30। अब sec 30 का मान आपको याद नहीं होगा, cos 30 का मान आपको याद है। cos 30 का मान होता है कितना? √3/2। तो इसका हो जाएगा 2/√3, जस्ट उल्टा। टैन 45 का मान होता है 1। उसके बाद sin 30 का मान हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे। cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 1/4, 4 × 2 का स्क्वायर 4/2 में हो जाएगा 3, माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4, ये हो जाएगा 4। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आएगा, पूरा एलसीएम 12। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 5 × 5/4, 5/4, 4 × 16/3 प्लस 16/3 माइनस 1/1 मान लेंगे। यहाँ पर एलसीएम देखिए कितना, 4 है, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1+3। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 × 5 हो जाएगा 15, प्लस 3 × 4 12, 4 बार के 4 के ऊपर गुणा करेंगे 16 × 64 माइनस 12 × 9 12, 12 के ऊपर गुणा करेंगे और बटे में 3 × 4/4, 4 से 4 ये तो अपना गया, ये तो खत्म। तो बचा कितना? बचा हुआ है ये दोनों जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, माइनस 12/12। अब इसे हम घटा लेते हैं तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7, 7 में से 1 जाएगा 6/12 हो जाएगा 12। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, सेम टू सेम बिल्कुल। ठीक है, मतलब 100% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ख नंबर भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आपको इनके मान जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, मान इनके जरूर याद होने चाहिए। चलिए इसकी आपने इसके साथ ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, अब इसे हम मेट देंगे। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन ग नंबर भी इसे यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ग नंबर में क्या कहा गया है। कहा गया दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के किनारे
आपस में मिलते हुए हैं, मिले हुए हैं, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि दो घन थे जो आपस में मिले हुए थे। अब ये मान लेते हैं कि ये एक घन है, ये एक घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, उसके बाद ये भी एक घन है, ठीक है, और ये आपस में मिले हुए हैं इन्हें किनारे। तो कहा गया एक का आयतन 64 सेंटीमीटर के ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यों पर। अब घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, ठीक है, बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। इधर से अगर हम क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से भुजा बराबर हमें क्या पता चलेगी, 64 कितने का घनमूल है, 4 का, एक यहाँ से सेंटीमीटर भी निकल आएगा, यानी भुजा में पता चली कि 4 सेंटीमीटर है। ये आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी, ये वाले ये सभी के सभी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी 4 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें घनाभ प्राप्त हो जाता है, जिससे इसकी जो टोटल लंबाई होगी 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ से हमें एक बात ये प्राप्त होती है कि घनाभ की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई भी आपकी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे घनाभ का आयतन, इसका फार्मूला है घनाभ का आयतन 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू को हमें रख देना है, तो 2 लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4, ऊंचाई 4 है, लंबाई 8 है, तो ये हो जाएगा 2 8 चौको 32 प्लस 16 प्लस 32, जिससे हो जाएगा 2 32 दुनी हो जाएगा 64 प्लस 16, जिससे हमें मिलेगा 2 गुणे 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, यानी 80, यानी 80 दुनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घनाभ का आयतन निकल के आएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपके दूसरे नंबर के का, खा और घ नंबर तो सॉल्व हुए, अब बचता है एक घ नंबर, उसे भी हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 2 का घ, एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। तो कहा गया कि दैनिक आय जो रुपए में है वो है कितने, 100 से 120 कर्मी ऐसे हैं कि 100 से 120 रुपए मिलते हैं, ऐसे कर्मी कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, 14 कर्मी ऐसे हैं जिनको 120 से 140 मिलता है, 8 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 140 से 160 मिलता है, और 6 ऐसे हैं जो 160 से 180 पाते हैं, और 10 ऐसे हैं जो 120 से 200 रुपए पाते हैं। तो इसमें कहा गया कि उपरयुक्त सारणी के बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया बहुलक, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है उसी का हम वर्ग अंतराल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग अंतराल है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि निम्न सीमा और उच्च सीमा कौन सी है। तो निम्न सीमा देखिए कितनी है, निम्न सीमा यहाँ पर देखिए 120 होगा, ठीक है, 120, और उच्च सीमा ये कितने हैं, 140 है, तो ये हो जाएगा 140। बस इतना ही केवल इसमें था, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का देखिए, कहा गया सभी खंड कीजिए, तो सभी खंड भी करने हैं। जहां पर का नंबर दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि
अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, तो जो हमें सिद्ध करना जस्ट उसका विपरीत हमें मानना है। क्या मानेंगे? माना माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट दो बराबर पी बटे क्यू, ये हम लिखेंगे। अब ये भाग से गुणे में चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए। या तो एक काम कर सकते हैं कि इसी जगह पर हम दोनों पक्षों कर देते हैं वर्ग, जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट दो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें केवल क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा दो और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसका नाम दे देते हैं समीकरण एक। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो दो है ये पी स्क्वायर का गुणनखंड है, क्योंकि बराबर में यहाँ पर इंटू में है। ठीक है, कहने का मतलब जो पी है, पी जो दो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है पी, दो पी को भी, पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सीधे सीधे यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि P बराबर हम मानेंगे 2m, P बराबर क्या मानेंगे 2m। यहाँ पर क्या किया हमने, माना है, ये माना, तो जहाँ भी P है वहाँ पर हमें क्या रख देना है, 2m रख देना है। तो यहाँ से आएगा 2q स्क्वायर बराबर P की जगह पर रखेंगे 2m का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर बराबर फोर एम स्क्वायर, ये कटेगा तो दो दो नहीं चार हो जाएगा, जहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर आएगा टू एम स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसका नाम दे देंगे समीकरण दो। अब ये कह सकते हैं कि जो दो है क्यू स्क्वायर को भी काट देगा। ठीक है, तो लिखेंगे दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो ये लिखेंगे जो दो है क्यों को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण एक व दो से। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से स्पष्ट है कि पी व क्यू के, पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर ये लिख देना जो P व Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ही ना हो। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें क्या मिला कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो भी है, क्योंकि दो P को भी काट रहा है, दो Q को भी काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, अतः यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास
है, क्योंकि हमने यहाँ पर माना क्या, माना ये कि पी और क्यू सहभाज्य हैं, लेकिन हमें पता चला बाद में कि इनके पी और क्यू का गुणनखंड दो भी है, तो यहाँ पर विपरीत हो गया ना, तो लिखेंगे विरोधाभास है। अतः अतः अंडर रूट दो एक एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इतना काम हमें करना था। ठीक है, तो आपका दो क्वेश्चन समाप्त हुआ, तीसरे का नंबर आपका समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीन का ख नंबर। क्वेश्चन नंबर तीन का ख और ग नंबर देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ख नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ग नंबर देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ख नंबर। अब देखिए विलोपन विधि कहा गया, विलोपन विधि मतलब जिसमें क्रॉस विधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया वो है एक्स बटे दो प्लस टू वाई बटे तीन और ये प्लस का वन है बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक है, और एक समीकरण दिया गया एक्स माइनस वाई बटे थ्री बराबर तीन। चलिए पहले इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा छः, तो दो त्याही छः तीन के ऊपर गुणा करेंगे ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस तीन का इसमें गुणा कर रहे भाग देंगे, तीन दूनी छः दो बार जाएगा, दो दूनी चार वाई और एक का भाग छः में छः बार, तो छः एक अन्नम छः बराबर में हो जाएगा कितना जीरो। ये भाग से गुणे में जाएगा यानी कि हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस छः बराबर जीरो। तो यहाँ से हमें एक बात ये प्राप्त होती प्राप्त होगा, तो एक्स प्लस फोर वाई बराबर माइनस का छः, ये हो जाएगा समीकरण एक। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा तीन, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई बराबर तीन, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई बराबर तीन त्रिक नौ, ये हो जाएगा समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को हम सॉल्व करेंगे, समीकरण एक व समीकरण दो से, या लिख सकते हैं समीकरण एक व दो को हल करने पर, तो ये जगह थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर माइनस का छः और ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई बराबर नौ। तो इसका निशान केवल बदलना, धन है तो ऋण है, तो धन धन है तो ऋण, ये धन ऋण कट जाएंगे और चार एक कितना हो जाएगा पाँच वाई माइनस माइनस जुड़ेंगे, नौ छः कितना हो जाएगा पंद्रह, निशान आपका माइनस का ही आएगा, तो ये होगा पाँच तेई पंद्रह, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल के आई माइनस का तीन। अब इस वाई का मान हम समीकरण कहाँ रख देंगे, रखेंगे समीकरण एक में रख सकते हैं, दो में रख सकते हैं, हम दो में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री, ये देखिए ये माइनस एक पहले से है, अब वाई की जगह पर क्या रखना माइनस का थ्री बराबर नौ, तो थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस तीन बराबर नौ, तो हो जाएगा तीन एक्स बराबर नौ माइनस तीन, तो तीन एक्स बराबर नौ से तीन जाएगा छः, तीन दूनी छः, यहाँ से एक्स का मान निकल के आता है कितना दो, एक्स का मान दो निकल के आया, वाई का मान माइनस का तीन निकल के आया, ये हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वह अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है, चलिए एक काम कीजिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मेट के अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मेट देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए जगह की आवश्यकता है और जगह हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसलिए मिटना पड़ेगा, और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम इसका अगला प्रश्न ले लें। ठीक है, अगर आपका ऐसा ही सहयोग बना रहा तो एक दो साल में आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका ख नंबर तो हो चुका है, ग नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
सबसे पहले हम आकृति देखेंगे, आकृति के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, अब ये बिंदु आपको कहां पर मिलेंगे, -4 -3, यानी इधर कहीं पर मिलेंगे यहां पर, कि माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 भी होगा। ठीक है, और ये 5, 2 कहीं इधर पर मिलेंगे आपको, 5, 2। तो ये कहा गया कि इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को मिलाना है और एक्स अक्ष पर जो बिंदु है प्राप्त होता है उसे आपको निकालना होगा। एक्स अक्ष पर जो आपको बिंदु मिलेगा वो एक्स कामा 0 के रूप में मिलेगा, मतलब इस लाइन में एक्स अक्ष में केवल एक्स की वैल्यू मिलती है, वाई का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, देखिए इसका अगर नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ए और बी। यहाँ पर मिलेगा एक्स वन और वाई वन और ये होंगे एक्स टू और वाई टू, ये हो जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए उन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। बिंदु कौन कौन है, -4, -3 ये ए बिंदु है। ठीक है, जो बिंदु बी है वो 5, 2 है और जो एक्स अक्ष का है, एक्स अक्ष का वो 1, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुपात पूछा गया तो अनुपात भी हम मानेंगे, अनुपात हम लिख लेंगे, अनुपात हम मान लेते हैं, अनुपात कौन सा, एम अनुपात एन। अब यहाँ पर आपका दो फार्मूले हैं, कौन कौन सा, एक है एक्स बराबर अनुपात वाला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन और वाई बराबर एम वाई टू एन वाई वन बटे एम प्लस एन। यहाँ पर दोनों आप इसे लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले लगा सकते हैं, लेकिन आसान होगा अगर आप इस वाले को लें, क्यों, क्योंकि वाई का मान 0 है और ये जल्दी से इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मान को रखेंगे, आपको पता है कि ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है और ये आपके एक्स और वाई के मान है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम रखेंगे वाई की वैल्यू 0, एम वाई टू की वैल्यू है 2, एन वाई वन की वैल्यू है -3 और एम प्लस एन, ये भाग से गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 2m-3n, ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम एक काम ये करेंगे कि 2m बराबर हो जाएगा 3n, तो m बटे n बराबर हो जाएगा 3/2, यानी m अनुपाते n हम लिख सकते हैं कि 3/2 ये आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अनुपात ही पूछा था, अनुपात हमने आपको बता दिया। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का का खा आपके साल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट देख लेंगे, घन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का घन नंबर देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि दो ठोस लंब शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √R1² + R2² / 3 है। ठीक है, थोड़ा आकृति के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि दो शंकु हैं, अब ये दो हमने क्या बना दिए, छोटे छोटे शंकु बना दिए जिनकी ऊंचाइयाँ क्या हैं, आपस में समान हैं, इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो आपस में समान हैं, इसकी त्रिज्या दूसरी है, इसकी त्रिज्या दूसरी है। ठीक है, देखिए ये जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई भी h है और इसकी ऊंचाई h है, इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है और इसकी जो त्रिज्या है वो R2 है। अब इन्हीं दोनों को पिघला कर समान ऊंचाई का एक बेलन बना दिया गया। समान ऊंचाई कहने का मतलब है कि जितनी ऊंचाई इन शंकु की है उतनी ही ऊंचाई इसकी भी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि त्रिज्या कितनी है, R है, यानी कि इन दो गोलों का आयतन का योग
इस बेलन के आयतन के बराबर है। ठीक है, चलिए घ नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का घ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऊंचाई h बराबर h, ठीक है, h बराबर h मतलब, कहने का मतलब है जो ऊंचाई शंकु की है वही ऊंचाई किसकी, बेलन की भी है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहला शंकु इसलिए क्या लगेगा, आर वन एच प्लस 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच बराबर पाई। अब देखिए इसके हम जो जो आर माना त्रिज्या वो कैपिटल आर है, आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से हम एक काम करेंगे कि 1/3 और पाई और एच ये कॉमन करेंगे, यहाँ पर बचेगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कटेगा, एच से एच कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त हुआ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, और ये बटे में ये वाला 3 बराबर आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हम हटा देते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, जो यहाँ पर कहा गया है कि बेलन के आधार जो त्रिज्या है अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बटे 3। तो इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये क्या हो जाता है, सिद्ध सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो आपके जो तीसरे घ नंबर, ये तो आपका हल हुआ। अब हम चौथे का और ख नंबर देखेंगे। ठीक है, इसको हम मिट देते हैं क्योंकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, या तो वीडियो को आप रोक कर नोट कर लीजिए कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो ख नंबर है वो, सॉरी का नंबर, वो क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या जो दी गई है वो 7.7 है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या लिखी है वो हम लिखेंगे परिमेय संख्या क्या है, दी गई है 1351/1250। अब हमें यहाँ पर ये कर देना है कि 1351/ इस हर का करेंगे गुणनखंड, 1250 का गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 पचास 25, सॉरी 5 एक 5 91 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचास 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 पचास 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचास 25, 5 एक 5। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या शांत है। ठीक है, अगर 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो समझ जाइए कि वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, बस ख नंबर में केवल इतना ही था। ठीक है, सॉरी, ये का नंबर हमने सॉल्व किया, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम मेट देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ख। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा गया द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे।
का नंबर, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 बराबर 0। जोड़ने पर 2 अंडर रूट 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 2 त्याई 6। अब इस 6 को जोड़ने पर 2 अंडर रूट 6 आना चाहिए, गुणा करने में 6 आना चाहिए, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 में करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अगर इन्हीं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6, और यही संख्या में प्राप्त करनी थी, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6x ये माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये जो अंडर रूट 6 है, ये जो अंडर रूट 6 है इसे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस 3 को लिखेंगे 3x² अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2x, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2x प्लस 2। अब यहाँ पर एक काम और कर लीजिए, क्या करना है, इस 3 को हम अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस 2 को अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कामन मिल रहा होगा, देखिए इस वाले में यहाँ से लगा के यहाँ तक और इस वाले में क्या कामन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3x, ठीक है, अंडर रूट 3x भी मिल रहा, तो ये केवल बचेगा अंडर रूट 3 चला जा चुका है, x बचेगा, रूट 3 चला जाएगा, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, माइनस का अंडर रूट 2 केवल कॉमन करेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम है तो लिख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अब इसको हटाएंगे, रूट लगा सकते हैं, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 के ऊपर रूट लगाएंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर माइनस से प्लस में चला जाएगा अंडर रूट 2, और ये गुणे से भाग में चला आएगा अंडर रूट 3, यानी x बराबर मिलेगा अंडर रूट 2 बटे 3, और इसके दो मान प्राप्त होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 बार ऐसे ही प्राप्त होंगे, x का मान इतना ही आएगा और दूसरा मान भी 2 बटे अंडर रूट 3 ही आएंगे, ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ग और घ नंबर देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि बिंदु ए कामा जीरो जीरो कामा बी और एक एक संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद घ नंबर में कहा गया कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है और पी आर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक है। सबसे पहले हम घ नंबर को देखेंगे, घ नंबर, और हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को पहले हम लिखेंगे, ए कामा जीरो जीरो कामा बी एक कामा एक, ये है, ठीक है। तो कहा गया संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई।
अब इसमें आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए तो आपका फार्मूला पूरा हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 1 2 3, ये होगा 2 3 1, 2 के बाद हो जाएगा 3 1 2। अब इसमें आपको केवल वैल्यू रखनी है तो 1/2 x1, अब देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2 x3 और y3। ठीक है, देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, a है, y2 की वैल्यू b है, माइनस y3 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है, y3 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, माइनस y2 की वैल्यू कितनी दी गई, b दे दी गई है। ठीक है, और देखिए जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ये आपको लिख देना है। अब ये भाग से गुणे में चला आएगा तो ये हो जाएगा 0, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त होगा a का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ये 2 गुणे से भाग से गुणे में आ गया है। ठीक है, ए बी माइनस से गुणा करेंगे तो a आएगा, प्लस ये 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा b, अब ये हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर में ए बी माइनस ए और माइनस बी, ये माइनस ए ऋण से धन में आएगा, माइनस बी भी ऋण से धन में आएगा, बराबर में क्या है ए बी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये गुणे से भाग में आएंगे और यहाँ पर एक रहता ही है तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे ए बी बराबर 1, अलग अलग करेंगे तो 1/ab प्लस बी बटे ए बी बराबर 1, a से 1 कटेगा, b से b कटेगा, तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाता है, 1/b प्लस 1/a बराबर 1, जिसे हम लिख सकते हैं 1/a, 1/a प्लस 1/b बराबर 1। ये हमने क्या किया, प्रूफ किया, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम घ नंबर को देखते हैं। ठीक है, इसे हम मिट देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, घ नंबर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर घ को। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र, ये कहा गया पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी और क्यू ये दे दिया गया 24 सेंटीमीटर, पी आर पी से आर ये दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ये छायांकित भाग निकालना है, उसके लिए हमें त्रिज्या तो पता हो, व्यास तो पता होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा, कौन सा पी क्यू आर, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज यहां पर हमें जो दिया गया पहले उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, पी क्यू, पी क्यू दिया गया 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर कितना, 19 डिग्री, तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण कौन हो जाएगा 19 डिग्री, सामने वाली भुजा कर्ण यानी आर क्यू, आर क्यू का होल स्क्वायर आधार हो जाएगा पी आर, पी आर का होल स्क्वायर लंब हो जाएगा आपका पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी आर, पी आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, पी क्यू है 24 का होल स्क्वायर, तो आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576। ठीक है, तो
तो आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर 9, 6, 15 के 5, 7, 4, 11, 12 के 2, ये हो जाएगा 5, 6। तो आर क्यू बराबर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 625। और जो आर क्यू बराबर 625 कितने का वर्गमूल है, 25 का। कितने का है ये, 25 का वर्गमूल है, यानी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी एक प्रकार के व्यास है, व्यास है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे। अब देखिए इधर के अर्धवृत्त से मेरे को मतलब नहीं, ये आधा वृत्त है, आधे वृत्त से मतलब है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, क्या माइनस करना, ये समकोण त्रिभुज माइनस कर देंगे, तो केवल और केवल छायांकित भाग निकल आएगा, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे दो माइनस, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से एक काम करेंगे कि 1/2 चाहे तो आप कॉमन भी कर सकते हैं, चाहे तो ना भी कॉमन करें, कोई समस्या नहीं होनी है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 1/2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू देखिए कितनी है, ये 25/2 गुणे 25/2 माइनस 1/2, आधार दी गई थी देखिए कितनी 7 और ऊंचाई दे दी गई है 24, ठीक है। जो भी कटता जितना भी कटता उसे हम काट देंगे, तो ये आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से कितना आ गया देखिए, 11 × 25 × 25 625 आएगा, बटे में 2 × 4 = 28, कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 माइनस 12 × 7 = 84, ठीक है, 2 × 7 = 14 = 4 हासिल, 1 × 7 = 8, 12 × 7 = 84। अब इसका हम लोग गुणा करा के हल कर लेंगे, तो 11 × 5 = 55 हासिल 5 के, 22 × 5 = 27 के साथ हासिल 2, 66 × 2 = 68 / 28 माइनस 84, ठीक है। अब इसको आप आराम से एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ग और घ समाप्त होते हैं, तो देख लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 5 और 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं रखता है, ठीक है। और यहाँ पर ख नंबर में भी एक रचना दी गई है, इसे हम दूसरे नंबर में करेंगे, ठीक है। पहले हम सॉल्व करेंगे ख नंबर, तो देखिए ख नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर हमें समीकरण लिख लेना है 2x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 3x + 6y = 12, ठीक है। इसने कहा है ग्राफीय विधि द्वारा, तो ग्राफीय विधि के लिए हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉलम कैसे बनाते हैं देखिए समझिए, यहां से हमें x और y के मान निकाल लेने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x का मान, ये हो जाएगा y का। अगर x की वैल्यू आप 0 रखेंगे, कितना 0, यहां पर 0 रखेंगे तो ये y का मान कितना आएगा देखिए, 4 × 8 और 0.2 बढ़ेगा, तो 4 × 5 = 20। अब y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो
तो एक्स की वैल्यू देखिए कितना है, वाई की ये जीरो हो जाएगा, दो पंचे दस यानी ये आ जाएगा पाँच। ठीक है, यानी यहाँ से हमें जो बिंदु प्राप्त हुए वे बिंदु क्या प्राप्त होंगे, वो बिंदु होंगे एक होगा जीरो कामा दो दशमलव पाँच, एक हो जाएगा आपका कितना पाँच कामा जीरो। ठीक है, इससे देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा वाई। एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू छः दूनी बारह, दो प्राप्त हो जाएगा। अगर वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो तीन चौक बारह, यानी यहाँ से जो बिंदु प्राप्त हुए वो बिंदु देखते हैं क्या प्राप्त होंगे, जीरो कामा दो और चार कामा जीरो। ठीक है, अब इसका हम क्या बना लेते हैं, आरेख बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं एक प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ, जिससे यहाँ पर आपका हो जाता है एक्स अक्ष, ये हो जाता है एक्स डैश अक्ष, ये हो जाता है वाई अक्ष और ये हो जाता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अधिकतम कहाँ तक है, पाँच तक, तो हम पाँच तक के कालम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है एक दो तीन चार पाँच, ये एक है दो है तीन चार पाँच, इधर एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये ज़्यादा एक दो तीन चार पाँच, इधर आपका बनेगा माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार और माइनस का पाँच, इधर भी आपका हो जाएगा माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार और माइनस का पाँच। अब ये बिंदु आपको ढूंढने कहाँ पर मिलेंगे, जीरो कामा दो दशमलव पाँच। देखिए वाई अक्ष में आपको एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी और एक्स अक्ष में आपको वाई की वैल्यू जीरो मिलेगी, तो इसका मतलब जीरो दशमलव दो पाँच आपको इस यहाँ पर मिलेगा, ये बीचों बीच इस जगह पर इसका बिंदु है जीरो कामा दो दशमलव पाँच। ठीक है, उसके बाद पाँच कामा जीरो वो आपका यहाँ पर मिलेगा इस जगह पर पाँच कामा जीरो, यानी ये वाली जो रेखा होगी, ये वाला जो समीकरण है, इसकी रेखा ये ऐसे होते हुए जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, आप पटरी प्रकार की सहायता से आप पेपर में बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीरो कामा दो, तो जीरो कामा दो आपका यहाँ पर मिलेगा, जीरो कामा दो और चार कामा जीरो, तो ये हो जाएगा आपका चार कामा जीरो, यानी ये भी सीधी लाइन ऐसे करके निकल जाएगी। अब देखिए ये लाइन, आप इन दोनों लाइनें आपस में कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, आप पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइनें बनेंगी, यानी हम इनको चाहे जहां तक खींचें ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो एक्स वाई के मान भी निकालना असंभव है, तो इसीलिए कहा गया है कि कोई हल नहीं रखता है। ठीक है, तो अगर आप समीकरण एक और दो को हल भी करेंगे तब भी एक्स वाई के मान नहीं निकाल सकते। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसलिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा या नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, ये आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम का नंबर तो आपने सॉल्व कर लिया, अब देखेंगे खा नंबर। उसके लिए आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको मेट देंगे। तो देखिए खा नंबर में जो कहा गया वो कहा गया कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी कहा गया 7 सेंटीमीटर, कोण बी 45 अंश, कोण ए 105 अंश हो, तो त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, बढ़िया रचना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, सिस्टम से आपको लिखना है
तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B आपको दिया है, कोण B है 45 अंश, ठीक है, कोण A दिया है 105 अंश, उसके बाद संगत भुजाएं दी हैं, संगत भुजाएं कितनी दी हैं, 4/3 गुनी हो, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, रचना करनी है, लिखेंगे रचना करनी है। क्या रचना करनी है, त्रिभुज ABC की रचना करनी है, करनी है, तथा तथा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की रचना करनी है, तथा त्रिभुज ABC की यहाँ पर क्या करना है, हाँ एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये करना है कि त्रिभुज ABC की रचना करनी है तथा एक अन्य त्रिभुज, एक अन्य त्रिभुज, अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, करनी है, जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की, संगत भुजाओं की कितनी है, 4/3 गुनी हो, ये हमें करना है, ठीक है। अब एक काम आपको यहां पर और कर लेना है, हमें कोण A का मान पता, कोण B का मान पता, कोण C का मान नहीं पता, तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 अंश, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो कोण A की वैल्यू हमें दी गई है 105 प्लस कोण B की वैल्यू दी गई है 45 अंश, कोण C की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 5, 5, 10 के 0, 4, 1, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तो कोण C बराबर 180 माइनस 150, तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश, ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। अब आपको आपका नंबर आता है आकृति बनाने की, तो आकृति आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसने कहा कि BC 60 सेंटीमीटर रेखा खींचना है, क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है, तो आपको देखिए पटरी प्रकार की सहायता से ही बनाना है, हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल डीपली जानना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको रचनाएं से रचना नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे तो सारी की सारी रचनाओं की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पटरी प्रकार की सहायता से सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पटरी प्रकार की सहायता नहीं लेंगे, सीधे सिंपल से बताएंगे, ठीक है। तो आपको करना है कि 7 सेंटीमीटर का ऐसा एक रेखाखंड खींच देना है, 7 सेंटीमीटर जिसका नाम है B और C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोण B कहा है 45 अंश, अब चांदा आप रखिए, चांदा आप जानते हैं जो अर्धगोला में होता है, ठीक है, तो चांदा रखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर इधर कहीं 45 अंश का कोण बनेगा, तो आप इसको ऐसे करके ऐसे मिला देना है, ठीक है, ऐसे करके, और उसके बाद तो यहाँ पर बन जाता है आपका 45 अंश का कोण, ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर भी करना है। तो देखिए कोण C का मान हमने 30 निकाला है, और यहाँ पर रखेंगे तो आपको 30 अंश का कोण बनाना है, ठीक है, कौन सा, 30 अंश का कोण, आप कहेंगे 30 अंश कोण इधर भी बनेगा, तो इधर नहीं बनाना, आपको इधर वाला देखना है, ठीक, क्योंकि अगर आप इधर बनाएंगे तो त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर चांदा रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे तो ऐसे क्रॉस होगी एक दूसरे को, और उसका हम नाम दे देंगे A,
और ये ए कोण ही यहाँ पर कितना अंश बना है, 30 अंश का, और ये कोण ही आपका कितने अंश का होगा, 105 अंश का। ठीक है, नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब आपकी त्रिभुज एबीसी की रचना तो हो गई, फिर उसने कहा यह है कि त्रिभुज एबीसी के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो हमें क्या करना है, सी बी एक्स, यहां पर एक एक्स एक न्यून कोण की रचना की, न्यून कोण मतलब जिसका एक 19 डिग्री से कोण कम हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए बड़ी भुजा आपकी कितनी दिख रही है, 4, तो बी एक्स को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देना है। कैसे विभाजित करेंगे, गोला प्रकार आपको लेना है, गोला प्रकार यहां पर रखेंगे, ऐसे आपको 4 कट लगा देने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका नाम दे देंगे B1, B2, B3, उसके बाद B4। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अब यहां पर देखें नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 3, तो हमें यहां पर 3 पर रखना है और 3 पटरी की सहायता से 3 से B3 को हम C से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आपको रचना ऐसी ही लिखनी है। रचना आप क्या लिखेंगे कि जो हमने यहाँ पर जो लिखा कर किया कि सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, कोण B को केंद्र मानकर 45 अंश का, कोण C को केंद्र मानकर 30 अंश का कोण बनाया। ठीक है, जिससे हमें बिंदु A प्राप्त हुआ, A से B को और A को C से मिलाया। फिर उसने आपने क्या किया कि CBX एक न्यून कोण की रचना की और BX को 4 बराबर भागों B1, B2, B3, B4 में विभाजित किया, ये आपको लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे B3 को C से मिलाया। ठीक है, और यहाँ पर क्या रचना करनी है, अब आपको गोला प्रकार एक नाप ले लेना है छोटा सा, और ऐसा ऐसे करके चाप लगाना है, उसको कम ज़्यादा करना नहीं है, तो यहाँ पर B4 पर लाके उसको ऐसा चाप लगा देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है कि BC को थोड़ा बढ़ाएंगे, कहाँ तक इसका नाम दे देते हैं, नाम अभी ना देना। ठीक है, लिखेंगे BC को बढ़ाया, उसके बाद B4 की जगह पर जो हमने यहाँ पर किया वही हमने यहाँ पर किया, अब इसे नाप लीजिए। इसे हम नापेंगे, जितना भी होगा यहाँ पर रख के ऐसे एक कट लगा देंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, अब इसका नाम दे देंगे P। अब लिखेंगे कि BC को बिंदु P तक बढ़ाया। ठीक है, और उसकी उसी प्रकार जैसे यहाँ पर आपने किया वैसे यहाँ पर भी आपको करना है, यहाँ पर रखेंगे गोला प्रकार और ऐसा एक कट लगा देंगे, ऐसा कट यहाँ पर भी ऐसे लगाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको मिला सकते हैं, इसे नापेंगे और यहाँ पर नापेंगे, जैसे इसको नाप जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर ऐसे करके कट लगा देना। ये थोड़ा ज़्यादा लग चुका है, ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके कट लगा देना है। अब हमें क्या करना है कि BA को भी हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे और इसको जो है जहाँ पर कटा हुआ है इसके कटान बिंदु से ऐसे करके इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे जहाँ पर कटता है उसका नाम दे देंगे Q। ठीक है, अब देखिए अभी आपकी जो आकृति है वो बन के तैयार है। अब आपको क्या करना, रचना के चरण लिखना है। लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, रचना के चरण, रचना के पद भी लिख सकते हैं, कम से कम आपका चरण है वो 1 से 5 तक का लगभग होना चाहिए, 5 बिंदु तक लिखे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी उपपत्ति भी करनी है। उपपत्ति कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर उपपत्ति आपको हम बता देते हैं। ठीक है, उपपत्ति, क्योंकि उपपत्ति बहुत ही जरूरी है। उपपत्ति, अब हम यहाँ पर बड़ा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, PQB, त्रिभुज PQB में, अब जो AC है वो PQ का क्या है, समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे AC समांतर QP। ठीक है, अब आपको पता है जब एक रेखा दूसरे का समांतर हो जाती है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, कैसे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से यहां पर आप लिख सकते हैं, थेल्स
प्रमेय से। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आपको गौर देना है, ये जो अनुपात दिया है 4/3, यानी बड़ी भुजा ऊपर है, छोटी भुजा नीचे है। इसी तरह यहाँ पर भी क्यू बी के बटे में ए बी, क्या लिखेंगे? क्यू बी के बटे में हो जाएगा ए बी बराबर बी पी बी के बटे में सी बी, पी बी के बटे में सी बी, ये बनेगा आपका समीकरण एक। ठीक है, उसके बाद अगले त्रिभुज की हम बात करेंगे। त्रिभुज ये नीचे वाला पी बी बी फोर, पी बी बी फोर में कौन किसके समांतर है? बी थ्री सी, बी थ्री सी समांतर है बी फोर पी के, बी फोर पी के क्या है? समांतर है, तो यहाँ पर भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी बी फोर बी, बी फोर बी के बटे में बी थ्री बी, बी थ्री बी बराबर पी बी के बटे में सी बी, पी बी के बटे में सी बी, ये हो जाएगा समीकरण दो। अब यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर ये पी बी बटे सी बी, पी बी बटे सी बी है, यानी दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक बराबर समीकरण दो। चलिए बराबर करेंगे, तो क्यू बी के बटे में ए बी बराबर बी फोर बी के बटे में बी थ्री बी। अब यहां पर देखिए बी फोर से बी तक में, बी फोर से बी तक में कितने चाप लगे? एक दो तीन चार, कितने हैं? चार चाप लगे हुए हैं। और बी थ्री से बी तक में तीन चाप लगे हैं, तो ये आपका हो जाता है सत्यापन। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया? सॉरी उपपत्ति नहीं, यहां पर सत्यापन होगा। क्या होगा? सत्यापन, सत्यापन। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। देखिए बेहतरीन बच्चों, ये क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग एक तरह रचना आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का गा और घ नंबर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कहा गया, देखिए घ नंबर में दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है। कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि टैन 35 इंटू टैन 40 इंटू टैन 45 इंटू टैन 50 अंश और टैन 55 अंश का मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरे में कहा गया कि टैन ए प्लस बी बाई टू बराबर काट ए बाई टू होगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ये सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले हम ग नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग नंबर का पहला नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टैन 35 अंश, टैन 40 अंश, उसके बाद टैन 45 अंश, टैन 50 अंश और टैन 55 अंश। हमें क्या प्रूफ करना है? एक प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं टैन 90 से कितना घटा दे कि 35 आ जाए। अब 55 घटा देंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैन 90 से कितना घटा दें 40 आ जाए, 50 घटा देंगे 40 आ जाएगा। टैन 45 का मान ही होता है एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन 50, टैन 50 इंटू टैन 55। ठीक है, टैन 55। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा, थीटा कितना है 55 इंटू टैन, सॉरी ये कितना हो जाएगा, टैन बदल जाएगा किसमें, काट में, तो ये हो जाएगा काट 55 अंश। ठीक है, ये तो आपका एक रहेगा ही, एक चला जाएगा, मतलब कि गुणे में है, तो आपका एक का कितना भी गुणा करिए कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, टैन 50 को हम लिख सकते हैं एक बटे काट 50, टैन 55 को एक बटे लिखेंगे काट 55।
तो काट 55 से काट 55, टैन 55 से टैन 55, और एक का आप एक गुणा कितनी बार भी कीजिए कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका, एक ही आएगा, ये हो जाएगा आपका एक। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नंबर को देख लेते हैं। दूसरा नंबर ये हो जाएगा आपका दूसरा, इसमें कहा गया त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए। अब यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अगर तीन कोण है ए बी और सी, अगर तीनों को जोड़ दें ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पर टैन बी प्लस सी है, इसका मतलब इधर बी प्लस सी रहना चाहिए, ए को हम भेजेंगे उस पर, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब देखिए यहाँ बटे में दो भी है, तो दोनों पक्षों में हमें क्या देना होगा, भाग, तो ये हमने दे दिया दोनों पक्षों में भाग। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी दे सकते हैं अलग अलग करके, मतलब कि ऐसे ये। ठीक है, इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला बी प्लस सी बटे दो बराबर 90 माइनस ए बाई टू। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इधर क्या है, टैन, तो लिखेगा दोनों पक्षों में टैन लेने पर, दोनों पक्षों में टैन लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में टैन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टैन बी प्लस सी बटे दो बराबर टैन 90 माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका बन जाएगा टैन बी प्लस सी बटे दो, लेकिन ये हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा काट थीटा, थीटा यानी ए बाई टू, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर गा का पहला और दूसरा, आशा करते हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार हमें कमेंट्स में जरूर जरूर पिन कीजिए कि हमें क्या समझ में आता है, क्या समझ में, और हमें आपको क्या समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि हम आपकी राय जान सके कि आपको कहाँ समझने में परेशानी होती है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको समझाने की और आवश्यकता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर घ। ठीक है, उसके लिए हमें इसे थोड़ा मिटना पड़ेगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मिट देते हैं क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जगह की आवश्यकता है। ठीक है, और हमारे पास देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपके लिए क्या कर सकें कि हमें मिटना ना पड़े। ठीक है, आपका सहयोग और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहा तो डिजिटल बोर्ड भी 1-2 साल में आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, जब तक आप हाई स्कूल पास करेंगे, आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, तब तक आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग, घ नंबर। यहाँ पर क्या कहा गया, दी यदि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर विलुप्त बारंबारता कौन सी, ये, अब ये एफ लिखा हुआ है, इसको हमें ज्ञात करना क्या होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें समांतर माध्य का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, और ये आपका एफ आई, जो बारंबारता है ये एफ आई है, और जो यहाँ पर निकालेंगे हम मध्यमान वो हो जाएगा आपका एक्स आई कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी 10 में 2 का भाग देंगे यानी आधा करेंगे तो कितना जाएगा 5। अब देखिए बीच में कितने का अंतराल, 10 का, तो इसमें भी 10 का अंतराल होगा यानी 15 आएगा, फिर 25 आएगा,
35, उसके बाद 45, ठीक है। अब यहाँ पर आपका निकल के आएगा एफ आई गुणे एक्स आई, दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 = 30, ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 एफ, और 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 6 × 2 = 12, 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 350, और ये 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 4 = 20, 2 = 22, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें इसे भी जोड़ना होगा, इसको भी हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी क्योंकि ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई। चलिए जोड़ के देखेंगे, देखिए 6 × 6 = 12, 12 × 10 = 22, 22 × 5 = 27, 27 + F ये होगा, ठीक है। अब इसे जोड़िए, देखिए ये 0 0 0 ये आ गया आपका 5, उसके बाद 5 × 3 = 8, 8 × 5 = 13, 13 × 5 = 18, 18 × 2 = 20, 20 × 0 हासिल हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हासिल होगा। तो 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, प्लस आपका हो जाएगा 15 F, ठीक है। एक बार इसे दोबारा जोड़ लेते हैं, आप भी पेपर में कम से कम 2 बार योग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गलत होते हैं। देखिए ये 0 0 0 5, तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ऐसे जोड़िए 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, कहाँ पर मिस्टेक हुई, इसका हासिल तो कोई है नहीं, 3 और 5 = 8, 8 × 5 = 13, 13 × 2 कितना हो गया 15, यानी देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 15 × 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा, ये हो जाएगा 3 3 और 5 8, 8 × 5 = 13, 13 × 2 = 2 कितना हो गया 15 × 5 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 1 = 8, अब आ जाके आपका सही है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, सीधे इसमें मान रखने हैं। चलिए मान रखेंगे समांतर माध्य, आपका देखिए ये दिया गया 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया गया है 855 + 15 F, और सिग्मा एफ आई 27 + F, 27 + F, ठीक है। ये भाग से गुणे में आएगा तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 27 + F = 855 + 15 F। अब इसे आप गुणा कीजिए, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 25 × 4 = 100 होता है, 25 × 4 फिर आगे 100 हो जाएगा, यानी 200 होना चाहिए, लेकिन ये 8 बार में 200 होता, इसका मतलब 175, 175 × 5 हासिल होगा आपका 17, 25 × 2 = 50, 50 × 2 = 60, और 60 × 7 = 67, 67, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 25 F = 855, कितना हो जाएगा 855 + 15 F, ठीक है। F वाली संख्या एक तरफ कीजिए, गिनती आपकी एक तरफ रहेगी, तो हो जाएगा 25 F - 15 F = ये हो जाएगा 855 - 675, 25 से 15 घटाएंगे, 5 से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा 10 F बच गया, बराबर आप इसे घटाएंगे यहाँ से, देखिए 5 से 5 जाएगा 0, 5 यहाँ पर कितना है, अच्छा 5 से 5 गया 0, ये कहाँ से लेंगे 15 × 7 = 8, बस इतना ही बचेगा, ये 7 बचेगा, 7 से 6 जाएगा इतना 1, तो 0 से 0 आपका कट गया। अब f की वैल्यू देखिए, जो f की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई, 18 आ गई, कितनी आ गई 18, तो वैसे आपका ग नंबर जो है वो आपका साल हो चुका है, ठीक है। एक बार हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर दोबारा चेक कर ले ताकि कहीं पर मिस्टेक ना हो सके, ठीक है। देखिए दोबारा चेक करेंगे, 6 6 = 12, 12 + 10 = 22, 22 + 5 = 27, 27 + F बिल्कुल राइट, ठीक। आपको भी लगाने के बाद ऐसा ही करना है,
उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये पाँच, ये पाँच लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका तीन। उसके बाद तीन और पाँच आठ, आठ पाँच कितना हो गया तेरह, तेरह और दो पंद्रह, पंद्रह के पाँच हासिल एक, तो ये हो जाएगा एक दो, दो तीन पाँच, पाँच दो सात एक आठ, आठ सौ पचपन बिल्कुल राइट है। और ये हो गया आपका पंद्रह एफ, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, समांतर माध्य पच्चीस दे दिया, ये हमने आठ सौ पचपन लिख दिया, ये हमने पंद्रह एफ लिख दिया, ये हो गया आपका सत्ताईस एफ। अब ये भाग से गुणे में जाएगा, ये भाग से गुणे में जाएगा, तो पच्चीस और सत्ताईस का हम कर लेते दोबारा गुणा, कितने का, सत्ताईस और पच्चीस का, ठीक है, शायद कहीं पर मिस्टेक हो गई हो ऐसी, तो पाँच सत्तर पैंतीस के पाँच हासिल तीन, पाँच पाँच दो दस, दस तीन हो जाएगा तेरह, और दो सत चौदह के चार हासिल एक, दो दूनी चार एक पाँच, पाँच सात छः, देखिए छः सौ पचहत्तर सही है, पच्चीस एफ आ गया, आठ सौ पचहत्तर बाकी आपका सेम है। अब ये पच्चीस एफ लिखा है, ये धन से ऋण में आ जाएगा, आठ सौ पचपन ये छः सौ पचहत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका कितना, दस आ गया, राइट है। उसके बाद पाँच से पाँच घटाएंगे जीरो, यहाँ से लिए पंद्रह, पंद्रह में सात जाएगा आठ, सात में छः गया एक, जीरो जीरो काट दिया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पाँच पूरी तरह से समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर छः, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः का का और ख नंबर देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस छः की सॉरी के एक्स प्लस चौंसठ बराबर जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के बराबर जीरो के मूल वास्तविक हैं, ठीक है, ये कहा गया है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले कौन सा का नंबर, समीकरण यहाँ पर हम दोनों के दोनों लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस चौंसठ बराबर जीरो, दूसरा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के बराबर जीरो। अब इनकी हम तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू हमें एक प्राप्त होगी, बी की वैल्यू के प्राप्त होगी और सी की वैल्यू चौंसठ। कहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर जस्ट बगल में क्या है, एक हमेशा रहता है, यानी ए की वैल्यू एक, बी एक्स यानी एक्स के बगल में कौन है के, तो एक बी की वैल्यू के और सी की जगह कितना लिखा है चौंसठ, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसे देखते हैं फिर उसे हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर व्युत्तिकर का फार्मूला लगेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, विव्युत्तिकर, विव्युत्तिकर का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए d बराबर b की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर माइनस फोर, a की वैल्यू एक है, c की वैल्यू चौंसठ है, तो d बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, यहाँ से चार का हम चाहे तो गुणा कर सकते हैं, ठीक है, चार चौक सोलह के छः, सोलह छः लगे एक, चार छः चौबीस और दो कितना हो जाएगा चौबीस एक पच्चीस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए उसने कहा है मूल वास्तविक है, तो लिखेंगे मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे जब, कब मूल वास्तविक होंगे, जब जो d का मान है वह जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो, जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, यानी कि के स्क्वायर माइनस दो सौ छप्पन को हम क्या लिखेंगे,
जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, तो हम जीरो के बराबर मान के k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगा k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256 के। स्क्वायर जैसे अगर हम हटाएंगे तो ये लग जाएगा अंडर रूट 256। ठीक है, अब यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये कितने का वर्गमूल है, ये है 16 का वर्गमूल। कितने का, ये 16 का वर्गमूल। तो यहाँ से तो आपका 16 आ गया। अब इसको देखते हैं एक बार, यहाँ से भी अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 1 मिलेगा, b की वैल्यू माइनस का 8 और c बराबर क्या मिलेगा, k। ठीक है, तो यहाँ से भी हम d बराबर फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू माइनस 8 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू k है, तो d बराबर 64 माइनस 4k। यहाँ पर भी यही होगा, यदि d इक्वल या मतलब जीरो से बड़ा हो या जीरो से बराबर हो, ठीक है, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि 64 माइनस 4 के बराबर, या तो हम जीरो के बराबर करें या तो जीरो से बड़ा करें, तो ये 64 धन से ऋण में चला जाएगा, माइनस 4 के। अब यहाँ पर देखिए हम बराबर का निशान लगा लेंगे क्योंकि उसने बराबर भी कहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 64, माइनस से माइनस कटेगा और ये काटेंगे 16 बार में कटेगा, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 16। देखिए यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16। ठीक है, यानी आपका आंसर पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, चलिए अब आपने क नंबर को सॉल्व कर लिया, अब ख नंबर देखेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हम क्या करते हैं, मेड़ देते हैं। ठीक है, तो ख नंबर भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ऊंचाई दूरी का है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े, डेक मतलब जहाज का किनारा होगा, ठीक है, डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसके जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां पर रूट 3 का मान कहा गया 1.732 दिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। तो यहां शुरुआत से पढ़ते, पानी की सतह से, अब ये मान लीजिए हो गया पानी की सतह, ये हो गया पानी की सतह, पानी की सतह से कहा गया है 14 मीटर ऊंची, कितना 14 मीटर, तो ये पानी की सतह हो गई, ये हो गया आपका 14 मीटर, कितना हो गया 14 मीटर, 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 अंश। अब पानी की सतह यहां है लेकिन जहाज यहां है, तो हम मापेंगे कहां से, यहां से मापा जाएगा, यहां से, ठीक है, यहां से ये, तो इसको हम सीधी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ताकि आपको इससे को भी ना समझे कि पानी है, ये जहाज की सतह है। अब यहां से देखने पर एक चोटी का उन्नयन कोण कितना, एक चोटी, अब यहां पर मान लीजिए चोटी बनी हुई है, ये चोटी, इसका उन्नयन कोण कहा गया है 60 अंश है, ये उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश, इसका मतलब पहाड़ी नीचे भी है, चलिए मान लेते हैं कि ये नीचे है। ठीक है, अब यहां से उसका जो अवनमन कोण बनता है, ये यहां से देखने पर इसका जो अवनमन कोण होगा वो बनता है 30 अंश। ठीक है, तो कहा गया पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई आपकी ये पूरी की पूरी हो जाएगी, ये पूरी आपकी पहाड़ी की ऊंचाई होगी। ठीक है, तथा जहाज से दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, और उसके बाद ये 14 है तो आपका ये भी 14 मीटर होगा, 14 मीटर, इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा
ई, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, किसकी, ए बी ई की। और यहां पर हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए ई कितना है, एक्स मीटर है, और किसकी पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो हम मान सकते हैं कि टोटल ऊंचाई एच है, ये पूरी की पूरी ऊंचाई, ये हम एच मीटर मान सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, ये हम खा नंबर सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी ई, ए बी, ए बी ई में कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए आधार है, कोण के सामने लंब है, यानी टैन थीटा का लगेगा। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये होता है, ठीक है। तो टैन थीटा की वैल्यू दी गई है 30, लंब है आपका 14 और आधार है x। तो टैन 30 का मान 1/√3 बराबर 14/x। इसका त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर आएगा 14√3, ठीक है। अंडर रूट तीन का मान हम बाद में रख सकते हैं, ये हमें x की वैल्यू पता चली, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, बी टी सी की, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, यहाँ पर भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा कितना 60, लंब हो जाएगा आपका कितना CD, और आधार आपका हो जाएगा कौन सा, जितना ये है उतना ये भी होगा, यानी x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर CD/x। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से CD बराबर आएगा √3, ठीक है। CD कितना आएगा, √3x, ठीक है। उसके बाद इसे हम समीकरण एक मान सकते हैं और इसे हम समीकरण दो मान सकते हैं। तो समीकरण दो, एक से x का मान समीकरण दो में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण दो में x का मान रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर CD बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट तीन एक्स का मान रख देंगे, कितना आ जाएगा 14√3। तो यहाँ से CD बराबर हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो CD बराबर हो जाएगा 14 × 42, कितना आ जाएगा 14 × 42 मीटर, कितना 42 मीटर। अब हमें निकालना चोटी की ऊंचाई, तो लिखेंगे चोटी की ऊंचाई, देखिए टोटल ऊंचाई कितनी है, CD और DE, यहाँ पर लिखेंगे CD + DE। तो CD देखिए कितना आया है, 42 आया, और DE देखिए कितना है, 14 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 मीटर आपके चोटी की ऊंचाई आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, आप इसे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। ना समझ में आया हो आप एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए वीडियो को, फिर समझिए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ग नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ग और घ देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो कहा गया, एक ठोस खिलौना एक अर्ध गोले के आकार का है जिस पर एक लंब 30 शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, खिलौने का आयतन भी ज्ञात करना है। कहा गया यदि एक लंबवती बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। यानी ये क्वेश्चन बड़ा है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सॉल्व हो जाता है इसे हम मेटेंगे, मेटने के बाद फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, दी गई सारणी में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं।
यानी गणित में ये प्राप्त अंक हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या है। कहा गया है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता। क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए, संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, ये पहली संख्या यहाँ पर लिख देंगे दो। अब दो में दस जोड़ेंगे तो हो जाएगा बारह, बारह में बारह जोड़ेंगे तो हो जाएगा चौबीस, चौबीस में पंद्रह जोड़ेंगे, देखिए पाँच और चार ये हो जाएगा नौ, और दो और एक ये हो जाएगा तीन। तेरह जोड़ देंगे तो देखिए नौ और तीन बारह हासिल एक, तीन और एक ये हो जाएगा चार। बयालीस और आठ ये हो जाएगा कितना, बयालीस आठ हो जाएगा पचास, ठीक है। कितना आ जाएगा? पचास। पचास में आठ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अट्ठावन, ठीक है। सॉरी, ये इसके सामने का हो गया, इसके सामने का, ये इसके सामने का, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये आएगा कहाँ पर, ये थोड़ा ऊपर लिख गया था इसलिए मिस्टेक हो गई थी, उनतालीस, ठीक है। अब उनतालीस से आप तेरह जोड़िए तो नौ तीन बारह के दो हासिल एक, और तीन और एक ये हो जाएगा चार। बयालीस में आठ जोड़ेंगे तो हो जाएगा पचास, पचास में चार चार जोड़ेंगे तो हो जाएगा चौवन। अब जितना यहाँ पर आया है आप इसे जोड़िए तो यहाँ पर भी चौवन ही आना चाहिए, यानी जो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो चौवन आएगा। जोड़ के देखते हैं, अगर चौवन नहीं आता तो समझ लीजिए हमारे ये गलत है। देखिए दो और दस बारह, बारह बारह हो गया चौबीस, चौबीस चार अट्ठाईस, ठीक है। अट्ठाईस और इसका चार, चार लेना है, अट्ठाईस चार बत्तीस, चार छत्तीस, छत्तीस तीन कितना हो गया, छत्तीस तीन हो गया उनतालीस, उनतालीस दस कितना हो गया उनचास, उनचास और इसका दस लीजिए, उनचास और दस हो जाएगा कितना, उनचास, यानी कहीं पर ना कहीं पर मिस्टेक है ये, ठीक है। इसको हम दोबारा एक बार देखते हैं, इसे हम एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं कि कहां पर ये इसकी गलती हुई है, इसको हम दोबारा मिटेंगे, ठीक है। दोबारा इसको देख लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मिस्टेक हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका दो, दो में दस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका बारह, बारह में बारह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका चौबीस, चौबीस में पंद्रह जोड़िए पाँच और चार ये हो जाएगा नौ, और दो और एक ये हो जाएगा तीन। अब यहाँ पर भी तेरह है तो नौ और तीन ये हो जाएगा बारह हासिल एक, तीन एक चार ये हो जाएगा पाँच, यहाँ पर मिस्टेक थी। बारह देखिए बावन और आठ कितना हो जाएगा साठ, ये साठ और ये चार हो जाएगा चौंसठ, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा चौंसठ। अब आप जोड़ लीजिए, बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। यानी नंबर हमारा कितना आ गया, नंबर हमारा कितना आया कितना आया चौंसठ। हमें पहला काम ये करना होगा कि n बाई टू करेंगे, यानी चौंसठ का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा बत्तीस, कितना आ जाएगा बत्तीस। अब बत्तीस किसके अंतर्गत आएगा, बत्तीस आ जाएगा उनतालीस के अंतर्गत, ठीक है। यानी इसके अंदर हमको उनतालीस के अंदर हमें बयालीस बत्तीस मिलेगा। अब ये हो जाएगा आपका L, ये L होगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा F हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका CF। क्योंकि हमें माध्यिका निकालने के लिए क्या क्या चाहिए पहले उसे हम लिखते हैं। माध्यिका, माध्यिका बराबर फार्मूला L प्लस N बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ और गुणे हो जाता है H। ये है माध्यिका का फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हम L की वैल्यू रखेंगे, देखिए L की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस N बाई टू आपका 32 है माइनस सी एफ आपका 24 है बटे F, F आपका 15 है और उसके बाद H कितना है, H देखिए कितने का बीच में गैप है, बीच में H है 10 का गैप, तो यहाँ पर आएगा आपका 10, ठीक है। अब इसको आगे हम हल करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 ये हो जाएगा 5 तेह 15, तो यहाँ से आएगा 30 प्लस घटाइए 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, केवल 8 आएगा, ठीक है, और बटे में हो जाएगा आपका 3
और गुणे ये हो जाएगा आपका दो। तो यहाँ से हमें मिलेगा 30 + 8 × 16/3, इसे आप काटेंगे 3 × 9 = 3, 3 × 5 = 15.33 आएगा, यानी कि 30 में आप 5 जोड़ेंगे 35.33, ये आपकी माध्यिका निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? माध्यिका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। कौन सा? ये घन नंबर जो क्वेश्चन है ये तो आपका हो गया। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको माध्यिका समझ में भी आई होगी और पेपर में 100% माध्यिका आती भी है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व मिटेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद हम घन नंबर को देखेंगे। घन नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसे पहले सॉल्व किया, उसे बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो भी दिया गया, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा गया है कि एक ठोस खिलौना एक अर्ध गोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवती शंकु अध्यारोपित है। बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ये अर्ध गोला था, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ये कहा गया है। ठीक है, कहा गया कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो ऊंचाई है ये है आपकी 2 सेंटीमीटर, ये वाली ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा आपका 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपकी 2 मिल जाएगी। उसके बाद कहा गया इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। खिलौने का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे आराम से। उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम आयतन निकालेंगे। तो यहाँ से हमें शंकु की जो ऊंचाई है h, वो हमें मिली 2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी हमें कितनी मिलेगी? 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब हम निकल लिखेंगे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो हैं, कौन कौन? दो लोग हैं, एक शंकु है एक अर्धगोला है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, ये होगा आपका। ठीक है, अब शंकु का आयतन का हम फार्मूला यूज करेंगे। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 πr³, ये क्यूब रहेगा। ठीक है, यहाँ से एक हम काम ये करेंगे कि 1/3 πr² हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा h और यहाँ पर बचेगा 2r। अब हम यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखते हैं, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 1/3 π की वैल्यू कहा गया है कि 3.14 रखनी है। r की वैल्यू देखिए कितनी है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद h भी आपका 2 है और 2 × ये भी रहेगा 2। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/3 3.14 × 4 × 2 = 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो 3 × 6, तो यहाँ से मिलेगा 3.14 × 4 × 8। 8 का अंदर करेंगे गुणा, तो 4 × 8 = 32 के 2 हासिल 3, 8 × 9 = 8, 3 = 11 के 1 हासिल 1, 8 × 3 = 24 = 25। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब खिलौने का आयतन। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि सॉरी, यदि एक लंबवती बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। किसके? लंबवती बेलन इस खिलौने के परिगत, कहने का मतलब इसके चारों ओर क्या है? एक बेलन है। ऐसा क्या है? एक बेलन है। ये देखिए,
अब हमें बेलन का आयतन निकालना होगा। अब इसकी ऊंचाई टोटल कितनी हो जाती है, देखिए दो ये और दो इधर आपका हो जाएगा, यानी इसकी जो टोटल ऊंचाई हो जाती है वो हो जाती है 4 सेंटीमीटर, बाकी त्रिज्या आपकी दो ही रहेगी, ठीक है। अब यहां पर चलिए यहां पर लिखेंगे बेलन, यहां पर लिखेंगे बेलन, बेलन की ऊंचाई हम कैपिटल एच मानेंगे कितना है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या वही रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे बेलन का आयतन, यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जिससे पाई का मान हमें रखना 3.14, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है आपकी 4, तो 3.14 × 2 का स्क्वायर 4 × 4, तो ये हो जाएगा 3.14 × 4 = 16, 16 का गुणा करा देना है, ठीक है। देखिए 16 चौक 64 के 4 हासिल 6, 16 × 16 = 16, 16 × 4 = 20, 0 हासिल 2, 16 × 3 = 48, 2 कितना हो जाएगा 50, और 2 अंक पहले क्या लगा दें दशमलव, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया बेलन का आयतन। ज्यादा कौन है, देखिए 25 है और ये 50 है, दोनों का अंतर हमें निकालना है, तो लिखेंगे अंतर, आयतनों का अंतर, आयतनों का अंतर, तो हमें बड़े वाले से छोटे वाले घटाना है, ठीक है। तो 50.04 माइनस 25.12, अब इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए 4 से 2 जाएगा तो आएगा आपके पास 2, ये बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा 9, दशमलव ये 9 होगा, 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 4, ये बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 2, यानी 24.92 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, आयतनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, चलिए ये क्वेश्चन आपका घ नंबर भी पूरी तरह से समाप्त होता है, और घ नंबर तो हम वैसे भी सॉल्व कर चुके हैं, इसका मतलब हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का क नंबर देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो दिए गए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी पूछा गया धारा की चाल, उसे की हम मान देंगे, उसे ही हम क्या करेंगे मानेंगे, तो का नंबर देखिए, का नंबर लिखेंगे माना, माना धारा की चाल क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला क्वेश्चन आए तो हमें कुछ काम अपने आप करने होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहां पर लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, तेज हो जाती है, मतलब कि धारा की चाल तो जुड़ेगी वो भी किसमें, नाव में, तो नाव की चाल कितनी है 5, धारा की चाल x है, तो 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, 5 − x किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, अगर नाव की चाल दी गई है तो नाव की चाल जो चलती है उसी की चाल से हमें घटाना है, उसी की चाल में हमें जोड़ना है,
ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार या लिखेंगे प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। आपको पता है कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पर समय बराबर दूरी कितनी चलनी है, 12 किलोमीटर ये दिया गया है, 12 किलोमीटर। चाल कितनी है, कहाँ पर, धारा के प्रतिकूल, तो देखिए धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है, 5 - x, इसका नाम देंगे समीकरण एक। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। अब समय क्या लगेगा, देखिए समय बराबर दूरी अभी भी वही चलनी है, बस चाल हो जाएगी 5 + x। अब जब दूर जब चाल हम बहुत तेज चलेंगे तो हमें समय लगेगा कम। यहां पर क्या कहा गया कि धारा के प्रतिकूल जाने में जितना समय लगता है वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लगता है। किसमें 1 घंटा कम समय लग रहा है, जब हम अनुकूल जाते हैं, इसमें 1 घंटा कम समय लग रहा, इसमें 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा। या तो आप एक काम कीजिए, इसमें 1 घंटे घटाइए, या तो हम एक काम करेंगे इसमें 1 घंटे ऐड कर देंगे। अब ये बन जाएगा समीकरण दो। अब ये दोनों समय आपस में बराबर हैं, तो करेंगे क्या, समीकरण एक बराबर कर देंगे समीकरण दो, दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 12/5 - x बराबर कितना है, 12/5 + x + 1, ये धन से ऋण में आएगा, तो ऋण में लाएंगे तो 12/5 - x - 12/5 + x = 1। अब यहां से एक हम काम ये करेंगे कि 12 हम कॉमन कर लेंगे। अब यहां पर हमें बचेगा 1/5 - x - 1/5 + x = 1। तो यहां पर हम एक काम करेंगे कि 5 यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 5 - x 5 + x, इसका गुणा इधर हो जाएगा 5 + x, माइनस के पहले कोष्टक लगाइए, इसका गुणा इधर हो जाएगा 5 - x = 1। तो ये हो जाएगा 12 और यहां से मिलेगा 5 + x - माइनस अंदर जाएगा कोष्टक खोलेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का x बटे, यहां से देखिए एक बार धन का एक बार ऋण का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 5 - x² = 1। 5 से 5 काटेंगे और यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 × x और x ये हो जाएगा 2x बटे में 5² - 25 - x² = 1। ये भाग से गुणे में जाएगा तो इधर देखिए क्या प्राप्त होगा, 12 × 24 = 25 25 - x². अब x वाला को यहाँ पर क्या है, हाँ ठीक सर ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस में आएगा तो हो जाएगा x² + 24x - धन से ऋण में आएगा 25 = 0। अब ये बनता है आपका द्विघात समीकरण। अब इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में हल करना होगा, यानी कि घटा दें तो 24 आ जाए, गुणा कर दें तो 25 आ जाए। ऐसी संख्या केवल एक ही है, अगर हम 25 से एक घटा देंगे तो 24 आ जाएगा, 25 एक 25 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0। x² + x का अंदर गुणा करेंगे तो 25 - यहाँ पर x आएगा, 25x - x - 25 = 0। दोनों से x कॉमन होगा, x प्लस हो जाएगा 25,
माइनस का एक कॉमन होगा एक्स, प्लस हो जाएगा 25 बराबर जीरो, दोनों से कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस 25 और एक्स माइनस 1 बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखिए, यदि एक्स प्लस 25 बराबर जीरो करते हैं तो एक्स बराबर माइनस का 25 होगा, जो कि ये क्या हो जाएगा, अमान्य। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि चाल कहीं माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ से यदि एक्स माइनस 1 बराबर जीरो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1, यानी नाव की चाल, नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा था, और ये क्वेश्चन देखिए बड़ा था, इसके पहले जो क्वेश्चन था मतलब अथवा में था। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हमारा बाकी है, ठीक है। एक का नंबर तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी ये अथवा वाला क्वेश्चन आपका बाकी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका बड़ा हो गया, अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपका शायद छोटा हो, ठीक है। तो चलिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम मेटेंगे, ठीक है। इसको हम मेट देते हैं, उसके बाद जो अथवा में दिया गया क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और हाँ, आपको ये अथवा में, अथवा का मतलब होता है या तो आप इसे कीजिए या तो आप इसे कीजिए, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक को करना है, दोनों नहीं करना, और नंबर तो आपको एक ही मिलेगा, ठीक है, एक ही का नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये वाला, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है वह 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर जीरो कहा गया। मैं मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि मूल, इसका मूल कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो इसकी हम तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण से, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, बराबर जीरो से तुलना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, a की वैल्यू क्या आती है, देखिए 2, और b की वैल्यू माइनस का 6, c की वैल्यू आ जाती है 3। अब हम कैसे पता करेंगे मूल वास्तविक या प्राकृतिक, तो व्युत्क्रम का फार्मूला लगाएंगे, व्युत्क्रम d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे, अगर इसको सॉल्व करने पर माइनस आता है तो काल्पनिक होगा, अगर ये धनात्मक आ जाता है मतलब जीरो से बड़ा आता है तो वास्तविक होगी मूल, और सॉरी, मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। अगर जीरो आ जाता है तो मूल वास्तविक साथ साथ समान भी होंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर मानों को रखेंगे, बी का मान माइनस 6² माइनस 4a की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो माइनस 6² हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा कितना, 3 × 6 = 24। तो यहाँ से देखिए, 24 में 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी ये जो है जीरो से क्या है, बड़ा है। तो लिखेंगे मूल वास्तविक, सॉरी, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है, मूल वास्तविक प्राप्त होंगे, मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। इसका मतलब अब इसे हमें सॉल्वीकरण करना होगा द्विघात समीकरण से, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर जीरो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, जोड़ने पर 6 आ जाए, गुणा करने पर 3 × 6, यानी जोड़ने पर भी 6, गुणा करने पर भी 6, ऐसी संख्या आपकी हो सकती है क्या, तो एक बार देख लेते हैं सही कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं है। 2x² माइनस 6x + 3, बिल्कुल राइट है, जोड़ने पर 6 और गुणा करने पर 3 × 6, ऐसी संख्या कोई नहीं है। तो हमें यहाँ पर कैसे करना होगा, श्रीधराचार्य के सूत्र से लगाएंगे, तो a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू माइनस का 6 है, और c की वैल्यू 3 है। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य से,
या द्विघाती सूत्र भी बोल सकते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू माइनस छः, तो ये हो जाएगा प्लस का छः, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस छः का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू दो, सी की वैल्यू कितनी है तीन, अपान टू ए की वैल्यू दो। तो x बराबर छः प्लस माइनस छः का स्क्वायर छत्तीस माइनस चार तेई बारह दूनी चौबीस, और ये हो जाएगा कितना चार। तो x बराबर छः प्लस माइनस, यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा बारह ही आएगा, अंडर रूट बारह बटे चार। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर बारह, यहाँ पर देखिए छः प्लस माइनस बारह, हम क्या ले सकते हैं चार तेई बारह यानी दो, और रूट में तो हो जाएगा तीन बटे में चार। तो यहाँ से x बराबर हम दो कामन करेंगे तो ये हो जाएगा तीन प्लस माइनस दो अंडर रूट दो बटे चार, तो दो एक अन्नम दो, दो दूनी चार। तो यहाँ से x बराबर आएगा तीन प्लस माइनस दो अंडर रूट दो बटे दो, एक तो आपका आंसर ये हो जाएगा, या तो और क्या लिख सकते हैं प्लस और माइनस दोनों के निशान हम लिख सकते हैं प्लस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा x बराबर तीन प्लस दो, यहाँ पर हमने तो कॉमन के लिए तो ये दो तो बचेगा ही नहीं, ये दो आपका बचेगा ही नहीं, ठीक है, तीन अंडर रूट दो बटे में आपका दो हो जाएगा, और माइनस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ क्या बचेगा x बराबर तीन माइनस अंडर रूट दो बटे दो, ये दोनों आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही था, वैसे दोनों क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सात का अब ख नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सात का ख नंबर देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि पहला नंबर देखिए, हम यहाँ पहले बात तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर। पहले नंबर में कहा गया चित्र में यदि बी डी लंब है ए सी पर और सी ई लंब है ए बी पर, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम चित्र में जान लेते हैं कि कौन किसको कहा गया है, जो बी डी है वो ए सी पर लंब है। अब देखिए ये बी डी है, ये ए सी पर लंब है, लंब होने का मतलब यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया सी ई लंब है ए बी पर, सी ई लंब है ए बी पर मतलब यहाँ पर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और कहा गया कि ए ई सी, ए ई सी मतलब ये वाला त्रिभुज, और ए डी बी, ए डी बी मतलब ये वाला त्रिभुज क्या है समरूप है, ये कहा गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो भी हमें दिया गया उसे हम लिख लेंगे, पहला नंबर है, और अथवा में भी दिया गया है, ठीक है, इसे हम अभी मेट देते हैं। दिया है, क्या दिया है, जो बी डी है वो लंब है ए सी पर, जो सी ई है वो लंब है ए बी पर, ठीक है। इस वजह से जो कोण है सी ई बी, सी ई बी वो 19 डिग्री होगा, और कोण ए डी बी, ए डी बी ये भी क्या होगा 19 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिस्टमेटिक ढंग से ही आपको करना है, ठीक है, नहीं करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति
उपपत्ति में हमें क्या करना है कि जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उसे ही हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी व त्रिभुज ए डी बी में। अब यहां पर आप गौर से देखिए, जो कोण ए डी बी है, ए डी बी, वो बराबर है किसके, कोण इसके यानी सी ई बी के, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये देखिए, यहां पर इधर ये वाला कोण देखिए, ये भी आपका 19 डिग्री होगा, यानी हमें इस त्रिभुज में देखना है और इस त्रिभुज में देखना है, इस त्रिभुज में, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि ए ई सी, यहां पर लिखेंगे ए ई सी, ए ई सी, सॉरी यहां पर बी लिख गया, ए ई सी, ये वाला ए ई सी बराबर है किसके, ए डी बी के, कोण ए डी बी के। अब क्यों बराबर, इसका स्पष्टीकरण भी लिखना है। लिखेंगे प्रत्येक कोण 19 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोण ए, ये वाला कोण देखिए, जो कोण ए है वो बराबर है कोण ए के। क्यों बराबर है, जब हम ए ई सी पढ़ते हैं तब भी हम कोण ए का जिक्र करते हैं, जब ए बी डी पढ़ते हैं तब भी हम कोण ए का जिक्र करते हैं, यानी ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, यानी दोनों में एक कॉमन है। तो यहां पर एक क्या लग जाती है, समरूपता कसौटी, ए ए समरूपता कसौटी से मतलब एंगल समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई सी समरूप होंगे त्रिभुज ए डी बी के। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट भी देखिए, दूसरा पार्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको हम केवल आपकी आकृति केवल मेट देते हैं, इसे मेट देंगे और आपकी आकृति मेट देंगे, ठीक है। इतने में हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, इसमें भी हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है। कहा गया जिसमें एसी बराबर है बीसी, यदि एबी स्क्वायर बराबर 2AC2 तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज तब होता है जब पाइथागोरस प्रमेय लग जाए, ठीक है, तभी समकोण त्रिभुज होगा। चलिए लिखेंगे दिया है में, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और भी दे दिया है, जो ए बी है, ए सी सॉरी, जो ए सी है वो बराबर है किसके, बी सी के। और दिए है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC2, ठीक है। अब थोड़ा हम आकृति बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमने आकृति तो बना दी, अब यहां पर लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी कैसा कोण है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया है कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है, समीकरण एक मान लेते हैं। और क्या दिया है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC2, ये दिया गया है।
अब देखिए इसे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, इसे हम ए सी स्क्वायर प्लस, ए सी स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोबारा दो बार लिखेंगे। अब लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हमने ए सी जब बी सी क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे कि जो ए सी है वो बराबर है किसके, बी सी के बराबर है, इसलिए मैं इसकी जगह बी सी रख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, लिखेंगे अतः यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर, इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो आपका 19 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये दोनों 45 अंश के होंगे, ये आपकी 90 अंश की होगी। बस इतना ही केवल हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का खा नंबर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके हम अथवा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को भी। क्वेश्चन नंबर 7 के खा का अथवा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इसमें कहा गया पहला नंबर, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन कहा गया कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजा ए है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई ए अंडर रूट 3/2 है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। कहा गया है कि इसकी जो भुजा है वो ए है, और इसकी ऊंचाई पूछा गया कि ये ऊंचाई है, ये सभी सिद्ध करना है, ऊंचाई इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, ये जो भुजा है ये भी आपकी ए है, ये भी हो जाएगी ए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये भी आपकी ए ही होगी, लेकिन इतने की बात की जाए तो ए बाई 2 होगी ये आधी, और ये आधी ए बाई 2 होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 19 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 19 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर मान लें कि इसकी ऊंचाई क्या है, h है, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h, तो लिखेंगे पहला नंबर, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, भुजा दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए हैं। ठीक, और ऊंचाई एच है, हमने ऊंचाई क्या माना है, एच माना है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए, इसका हम नाम दे देते हैं कौन सा, बिंदु डी, यहाँ पर नाम ना देकर हम नाम दे देते हैं इसके बीचों बीच में, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी डी में क्या है कि कोण जो ए डी सी है, ए डी सी वो कितना है, 19 डिग्री है। तो लिखेंगे जब 19 डिग्री होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कितना हो जाएगा, देखिए कर्ण यहाँ पर देखिए 19 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ तक यहाँ पर तो 19 डिग्री, सामने वाली भुजा एसी कर्ण हो जाएगी, ये हो जाएगा एसी का होल स्क्वायर, आधार आपका एडी होगा, एडी स्क्वायर, लंब हो जाएगा आपका सीडी, यानी सीडी का होल स्क्वायर। तो एसी कितना है, ए है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एडी ए बटे दो है उसका स्क्वायर, प्लस सीडी कितना है, सीडी एच है, ठीक है, लंब एच का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हम बराबर का साइन जरूर लगाएंगे, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे चार प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, तो ये धन ऋण में चला आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे चार बराबर एच का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा चार, तो हो जाएगा चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। अब चार में से एक जाएगा, क्या बचेगा, थ्री ए स्क्वायर बटे चार बराबर एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, यानी एच बराबर अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बटे चार, तो एच बराबर यहाँ से ए निकल के आएगा और यहाँ से बटे में दो निकलेगा और ये अंडर रूट तीन अंदर रह जाएगा। देखिए क्या इसी को हमें प्रूफ करना था, देखिए ए अंडर रूट तीन बटे दो, यानी इसी को हमें प्रूफ करना था, यानी इसको हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। इसमें दो दो पार्टों में क्वेश्चन दिया है, इसलिए क्वेश्चन आपके आसान है और सरल है, ठीक है। चलिए आपका ये पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम मेट देंगे, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा और हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो अपने यार दोस्तों के पास जरूर साझा करें, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी आप लोग कर दीजिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, कहा गया कि ए बी सी की भुजा ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी डी, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप है ए डी बी के। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये मान ली हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज कैसा, ए बी सी, तो ए ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। फिर कहा गया कि ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, अब ये ए सी है, ए सी पर कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी बी, ए सी बी यानी बीच में एक कोण है सी, यानी ये वाला कोण बराबर है कोण ए बी डी के, ए बी डी मतलब यहाँ से इसको हमें मिलाना होगा, यानी ए बी डी मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कहा गया है। अब प्रूफ करना है कि ए बी सी, ए बी सी मतलब बड़ा वाला जो त्रिभुज है समरूप होगा ए डी बी के, ए डी बी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज और ए डी बी दोनों आपस में समरूप है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, हमें क्या दिया गया है, दिया ये गया है कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए बी डी के, केवल हमें यही दिया गया है, ठीक है। और ए सी पर एक बिंदु है, ये कहा गया है ए सी पर एक बिंदु डी स्थित है, डी स्थित है। अब यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। आसान क्वेश्चन है, अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति।
अब जिन त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है उनके नाम लिख लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में, एक बात तो हमें पहले से दी दी है ये कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए बी डी के, ठीक है। इसको हम लिख देंगे दिया है, दिया है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। मतलब बड़े वाले त्रिभुज में या छोटे वाले त्रिभुज में एक कोण बराबर हमें मिल गया, एक कोण और बराबर मिल जाए तो देखिए ये वाला कोण, कोण जो ए है, ये कोण ए बराबर कोण ए। अब ये कोण क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए उभयनिष्ठ कोण कैसे है, जब हम ए बी सी पढ़ते हैं तब भी हमें त्रिभुज में कोण ए मिलता है, जब ए डी बी पढ़ते हैं तब भी हमें कोण ए मिलता है, मतलब कोण ए उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर दो कोण हमें मिल गए बराबर, ए ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ये हमें प्रूव करना था। तो देखिए बच्चों सेट नंबर 4 आपका पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको सेट के सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हों तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट्स बॉक्स में आपको अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो भी वहाँ पर आपको कमेंट्स करना है कि यस सर हमें पूरी तरह से समझ में आ गए, नहीं समझ में आते हैं तो आप उसका कारण लिखिए कि आपको कैसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले 5वें सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।